हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आप लोग को यूनिट 8 साइबर लॉ के बारे में पढ़ताएंगे, यानी कि जितने भी MCQ इससे रिलेटेड आएंगे आप लोग को वो सारा इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर स्टूडेंट्स और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को सिलेबस पॉइंट वाइज और सिलेबस वाइज बढ़िया से इसी चैनल में आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं साइबर लॉ में। और भी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। IPS साइबर डिफेंस करके होगा, तो वहाँ सारा आप लोग को 1 से लेकर जितने भी चैप्टर का हुए हैं सारा आप लोग को देखने को मिलेंगे। 8 यूनिट है इसमें, यानी 8वां चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्या कुछ है। साइबर लॉ का मतलब क्या हुआ, ठीक है। हर चीज़ का एक ना एक कानून होता है, नियम होता है, ठीक है। उसी तरह जैसे हम लोग अगर नहाते भी हैं तो उसका भी एक नियम है कि पानी ऊपर से ही वो लेना, मतलब इस तरह से करना है। पानी नहाते समय कपड़ा खोल लेना या फिर कुछ भी, जैसे कि कुछ के लिए नियम तो ज़रूर से होता है ना। जैसे कि साइकिल ही अगर कोई चलाता है तो उसके लिए सबसे पहले बैठना होता है, पैंडल में पेड़ रखना होता है, ये सारा कुछ नियम है, ठीक है। तो उसी तरह से साइबर का भी एक नियम है, उसको चलाने के दौरान कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर वो नियम का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसके साथ अगर कुछ गलत होता है या फिर कुछ गलत करते हैं तो उसका सज़ा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि साइकिल अगर चलाना नहीं जानेंगे तो गिरेंगे तो क्या होंगे, गिर के हाथ पेट टूट जाएगा, ठीक है, या फिर चोट तो लगेगा ही। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर साइबर लॉ का फॉलो नहीं किया जाता है जो चलाते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल, तो उनको मतलब कि सज़ा हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यही हो गया साइबर लॉ। अकॉर्डिंग टू द IT एक्ट 2008, इज अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू बी सेंड, जनरेटेड, स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड टू एनी अदर पर्सन एंड डज नॉट इंक्लूड एन इंटरमीडियरी इज नॉन एज। तो एक का हो जाएगा इसमें सबका ए नंबर, यानी ओरिजिनेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है सो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो दो नंबर का देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, बी नंबर है, यानी कि रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं EDI स्टैंड फॉर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, सारा वीडियो को बढ़िया से देखा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप लोग को बाद में पता चलेगा कि जो सर बताए थे उसी से आया, लेकिन हम तैयारी करके ही नहीं गए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुख होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग सारा वीडियो को देखा कीजिए और बढ़िया से देखा कीजिए। EDI स्टैंड फॉर, EDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 3 का आपका हो जाएगा ए नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। फिर फोर्थ देखते हैं, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉन एज। तो कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस नाम से जाना जाता है, प्रोमिस प्रपोजल, प्रोमिसर एग्रीमेंट। तो 4 का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी प्रोमिसर, ठीक है। आगे देखिए, सेक्शंस 4 और 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेटेड, यानी कि जो सेक्शन 4 और 5 है वो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस में है, मतलब कि किस स्टेटेड मतलब स्टेट का होता है तो स्टेट राज्य हो जाता है, ठीक है, स्टेटेड है, चलिए ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस में, तो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ऑफर रिजेक्शन नॉन रिवोकेशन एडमिसबिलिटी। तो 5 का आपका हो जाएगा सही आंसर ए नंबर, यानी कि क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें थोड़ा क्वेश्चन भी करना है आप लोग को, ठीक है, और उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करना है। तो इस क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है, यानी कि बोलने का छूट है एक तरह से या फिर ऑफर है, ठीक है। वारंटीज टर्म्स कंसिडर इन, तो जो वारंटीज है टर्म्स कंसिडर इन, तो किसके अंदर है, IT एक्ट 2000, सेल ऑफ गुड एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 6 का आपका हो जाएगा बी नंबर, सेल ऑफ गुड एक्ट, यानी कि जो सामानों को जो बेचता है उसका अधिनियम 1930, ठीक है। आगे देखिए 7th का क्या है, विच सेक्शन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो एक किसके किस सेक्शन में है आपका,
सेक्शन 11, 12, 11, 1, 10। तो 7 का आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर, यानी कि सेक्शन 11। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट, जैसे कि बहुत सारे जगह में आप लोग देखते होंगे किसी का बुक दूसरा क्यों नहीं छाप पाता है, आप लोग को पता है, और बहुत सारे यूट्यूब में भी होता है कि कोई किसी दूसरा का कंटेंट अगर डाल देता है अपने चैनल में तो कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो एक्ट जो है ये मतलब एक तरह से कंप्यूटरों के द्वारा या फिर मोबाइलों के द्वारा किया जाने वाला एक गलत है कि नहीं, किसी दूसरे के चीज़ों को डालना तो कॉपीराइटेड होगा ही। ठीक है, तो कॉपीराइट एक्ट इनेक्टेड कब हुआ था, तो 8 नंबर का देखते हैं, सी नंबर है 1956 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द लॉ ऑफ इज ऑफ साइनिफिशेंस टू ई कॉमर्स एंड वुड हैव वाइड रेमिफिकेशंस। तो देखते हैं इसका क्या होगा, 9 का हो जाएगा आपका, 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूजन क्लाउजेज, तो आपका 9 ही था स्टूडेंट्स, इतना ही था इसमें। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट आप लोग को, इसका आंसर भी साथ ही में है, इसका पीडीएफ हम प्राइवेट ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप क्या है उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, CSR प्राइवेट ग्रुप, सबसे ऊपर वीडियो आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसको पूरा देख लेना। ठीक है, आप समझ में आ जाएगा। तो और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा कि जैसा भी लगा होगा पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे आपको आपके एग्जाम में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और सब्सक्राइब तो जरूर ही करके जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, इस तरह से सिलेबस वाइज कंटेंट आप लोग को बहुत मतलब ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं कहीं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे इंटरेस्ट न्यूज के साथ, देखिए मात्र। Yeah!